आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले वो देखने के लिए मिल जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना रेहान खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने YouTube चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज मैं आपको बता रही हूँ कि इस मशीन को हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कॉन्टेस्ट वाली वीडियो में बता दिया था कि मैं अपलोड कर लूँगी अपनी मशीन निकाल, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ हैट्स बता दूँ। ये इनके जो साइजेस डिफरेंट हैं वो इनका जो ऊन का जो गेज है जो कि 3 ply, 4 ply, 3 ply होता है उसकी वजह से, प्लस जो राउंड्स हैं उनकी गिनती की वजह से। जिस तरह से ये वाली आप हैट देख रहे हैं ये अच्छी खासी लेंथ में बड़ी है, क्योंकि ये जो है ये 150 to 160 राउंड्स पे बनी हुई है जबकि ये वाली 130 राउंड्स पे बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ट्विन कलर यूज़ किया है, आप ये भी कर सकते हैं, बहुत इजी है ये सब कुछ इस पे बनाना। प्लस आप इस पे बना सकते हैं स्कार्फ वगैरह भी, अगर आप स्कार्फ वगैरह यूज़ करती हैं तो इस तरह की बीनीज आप बना सकती हैं, ये देख लीजिए। और ये वाला भी जो है ये 3 ply यार्न है, ठीक है। तो चलिए चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह बनेगा। अच्छा जी, हमारी मशीन आ गई है, ठीक है। मशीन में हमें हमारे पास जो नीडल होगा एक वो डिफरेंट कलर का होगा जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमें ये देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये ब्लैक इसमें नीडल है, ठीक है, ये ब्लैक वाला। ठीक है, इस तरह से अगर आप ये मशीन बाय भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, काफ़ी उसमें ये अलग कलर का होता है, बट आपने मेक श्योर करना है कि जो जो नीडल हो वो हमारा अलग कलर का हो, ठीक है। जिस तरह ये एक ही ब्लैक है बाकी सब वाइट होंगे इसमें, तो हमें ब्लैक से शुरू करना है काम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस मशीन के टेंशन का एक सेक्शन लिया हुआ है, वो क्या होता है मैं आपको बता दूँ। पहले इसका काम जो है वो धागे का जो टेंशन है, जिस तरह हम कुरेशिया वगैरह करते हैं, हाथ को सख्त रखते हैं कभी लूज रखते हैं, इसका काम वही है, ठीक है। अगर आप 3 ply ऊन यूज कर रहे हैं तो ये सबसे पहला वाला, ठीक है, और सेकंड वाला भी आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट के। अगर आपको लगता है भाई टोपी बहुत टाइट है स्टिचेस खिंच रहे हैं तो आप सेकेंड वाला यूज करेंगे, वरना 3 ply के लिए ये बेस्ट है फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये सबसे लूज वाला है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला है साइज, जिसमें मैं अभी ये 4 ply वाला ऊन आपको यूज करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर ये वाला ऊन मैंने इन दोनों में से किसी में भी डाला तो बहुत टाइट हो जाएगा और नहीं बनेगा, बीच से टांके छूट जाएंगे। दूसरी चीज, इस मशीन के साइड पर आपको ये टी और पी लिखा हुआ नजर आएगा। टी का मतलब है यहाँ पर कि आपको ट्यूब स्टाइल में टोपी मिलेगी, और पी का मतलब है पैनल। पैनल जो है जिस तरह से हम कोई ब्लैंकेट बना लें या कोई आप पैनल को बड़ा बनाना चाह रहे हैं ये वो बनाएगा, क्योंकि हमें ट्यूब चाहिए, बिकॉज अभी हम टोपी बना रहे हैं तो हम इसको टी पे एडजस्ट करेंगे। अगर आप पैनल बनाएंगे तो उसको नीचे कर देंगे तो ये आपको पैनल बना के देगा। बहुत ईजी टू यूज़ है, कोई इतना मसला नहीं है इसको यूज़ करने में, ठीक है। साइड वेज मैं आपको बता रही हूँ, ये सिरा वाला बड़ा मैंने लिया, इसको सेंटर में रख दिया, ब्लैक के इन में हम इसको लेके गए, ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसके ऊपर पीछे से, और फिर उसके बाद वाला जो है उसके अंदर, और फिर उसके बाद वाले के ऊपर, ठीक है, फिर उसके साथ वाले के अंदर, फिर उसके बाद इसके से ऊपर, फिर उसके बाद वाले में इन, फिर जहां पे इन है उसके बाद वाले से ऊपर, फिर इन आउट, इन आउट, इन आउट, ठीक है। इसी तरीके से हमने सारी जो हमारी जो नीडल्स हैं उनको फिल कर देना है। इन है, फिर आउट यानी बाहर, फिर इन इसके अंदर, फिर इसके बाद वाले के बाहर, फिर इन, फिर आउट, फिर इन, फिर आउट। ये इसी तरीके से आपने इसको
इन आउट करके नीडल्स को फिल करना है। ये सिर्फ आपने एक ही बार करना है, उसके बाद हम कंटिन्यूस राउंड चलाते रहेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, तो इन आउट हमने यही करना है। ये इन है, फिर ये आउट आया, अब ये इन आउट ये इसी तरीके से हम करते जाएंगे। अब देखिए हमारा ब्लैक वाला जो नीडल है वापस आ गया, लास्ट वाले के ये हम ऊपर आएंगे पीछे, और फिर पीछे से हमने ये यहां पर आपको एक सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए जो व्हाइट आया हमारा लास्ट, सॉरी ये हमारा ब्लैक था, फिर ये लास्ट हमारा व्हाइट है जिसके हमने ऊपर से लिया है, ठीक है। और फिर यहां पर ये जो सेक्शन है इसमें हमने इस ऊन को फंसा देना है। ये बैक से आए हम व्हाइट के, लास्ट जो हमारा नीडल है, फिर यहां से हमने ऊन को इस बार के अंदर, और फिर हमने ये जो हमारा जो टेंशन मैंने आपको बताया, जो ऊन का लेवल बताएगा कि आपने किसमें सेट करना है, तो ये देखिए मैं फर्स्ट वाले में यहां पे सेट कर रही हूं इसको, ठीक है। ये मैंने यहां इसको सेट कर दिया है, और अब हमने मेक श्योर कीजिएगा कि ऊन के गोले को आप साथ साथ बिल्कुल हाथ से खोलते जाएं, क्योंकि अगर आप इसी पे छोड़ देंगे ये बहुत टाइट कर देगा टांकों को। तो ये मैं ऊन यहां पे देखें इस तरह से छोड़ती जाऊंगी और इस सेक्शन को घुमाती जाऊंगी। तो जो हमारा पहला राउंड है, ठीक है, राउंड हम कैसे काउंट करेंगे, पहला शुरू हो रहा है, जब ये ब्लैक नीडल आएगा तो सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा पहला राउंड चल रहा है अभी, ये देखें। अब आप नजर रखेंगे ब्लैक वाला वापस आया, मींस हमारा सेकेंड राउंड शुरू हो गया है, सेकेंड राउंड शुरू हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसके राउंड्स भी गिन सकते हैं ताकि आपको पता चले कि राउंड कौन सा शुरू हो रहा है और कौन सा खत्म हो रहा है। वैसे कुछ जो इस तरह वाली निटिंग मशीन्स हैं उसमें काउंटर भी होता है, जो रो काउंटर होता है वो बता देता है कि कितने स्टिचेस हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो मैं आपको इसका बता रही हूँ कि जैसे ही ये ब्लैक हुक या कोई भी कलर का हुक जो डिफरेंट होता है इसमें वापस आएगा, मीन्स कि आपको जो है राउंड अब काउंट करना है, ठीक है। राउंड थ्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, बस अब आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको रोटेट करते जाएं, मशीन को चलाते जाएं। ये देखें ब्लैक नीडल वापस आया, राउंड नंबर फोर शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई तंग करने वाला नहीं है तो मेक श्योर कि आप काउंट कर लें, वरना आपके पास रो काउंटर अगर होगा तो वो आप करिएगा। ये देखिए मैं फिर से ऊन यहाँ पे छोड़ रही हूँ। याद रहे ऊन जो गोले से कनेक्टेड होता है आपको डायरेक्ट उसमें से नहीं लेना, आपने हाथ की मदद से इस तरह से ऊन को छोड़ते जाना है, लूज करना है, वरना मशीन स्टिचेस बहुत टाइट कर देगी और आपका काम खराब हो जाएगा। तो मैं ये इसी तरीके से इसको करती चली जाऊंगी। तो आप जाइए फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 150 राउंड्स मैं बना रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा काम कैसे लगेगा। तो हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इस वीडियो को ताकि हम जल्दी जल्दी आपको दिखा सकें कि ये काम किस तरह से बनता जाता है। अच्छा जी, तो ये देख लीजिए मेरी जो इस पर मैंने हैड बनाई थी, मैंने कलर चेंज कर दिया था बिकॉज वो कलर मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। तो
तो ये काफ़ी बड़ा पैनल हो गया है, मैं अभी आपको निकाल के ट्यूब मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, जब आप ख़त्म करेंगे तभी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ये जो ब्लैक पिन जहाँ से हमने शुरू किया था ना वहीं पर एंड होगा इसका, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस को इतना घुमाना है कि ब्लैक वाले के अंदर थ्रेड क्रॉस हो जाए, ठीक है। ये देखिए ब्लैक वाला बिल्कुल, जब ये अंदर बिल्कुल अंदर चला जाए इसमें, तब हमने यहाँ पे रोक देना है काम को, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ये थ्रेड है इसको हमने काट लिया है, ठीक है। काट के अब हमने क्या करना है, यहाँ से इससे भी निकाल लेना है इसको और इनसे भी, और ये जो वाइट वाला है इसको हम थोड़ा सा रिवर्स लेके जाएंगे ताकि ये यहाँ से भी निकल आए, ठीक है। अब इन सबसे निकालिए, और ब्लैक वाला देखिए इसके अंदर है इसलिए फंसा हुआ है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हमने लेनी है एक नीडल, आपके सेट के साथ नीडल आएगी, मैं मेटल की यूज़ कर रही हूँ, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब मैं इसको बता रही हूँ कि इसको आप फिनिश कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने ये नीडल ले ली। अब आपने क्या करना है, जहां पर ये पार्ट इसका धागे का लगा हुआ है, अब हमने इसके बाद वाला जो हुक है हमारा, हमने इसको घुमाना है, इसके रोटेटर जो उसका जो है इसको हमने घुमाया और इस नीडल के अंदर जाने का आप वेट करें। ये देखिए नीडल अंदर चली गई, ठीक है। अब जैसे ही अंदर चली गई यहाँ पे आपको ये थ्रेड दिख रहा है, ठीक है, दोनों इसके बीच में ये थ्रेड है, ये इस तरह से हमने नीडल को इसमें से निकाल लेना है, और बहुत खींचना नहीं है अभी, हल्के हल्के टाँके उठाने, ठीक है। फिर ये वापस इसको घुमाएंगे और सेकंड नीडल अंदर चला गया, और ये इसका लूप है यहाँ पर, ये लूप हमने इस तरह से पिक कर लिया हल्के हाथ से, ठीक है। फिर आहिस्ता से ये दूसरा नीडल चला गया, इसी तरीके से हमने ये टांके जो हैं इसके उठाते जाने। एक एक करके ये इस तरह से हम इसके टांकों को उठाते जाएंगे और उसको घुमाते जाएंगे। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपका हाथ इसमें सही बैठ जाए, तब आप तीन चार को एक साथ रोटेट करके और फिर आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये देखिए जब नीडल चला गया अंदर, और ये इस तरह से आपने बस यही पूरा राउंड हमने इस तरह से इसको स्टिचेस को निकाल लेना है। तो मैं फिर आपको ये करके एंड में बताती हूँ कि लास्ट वाले को हम किस तरीके से, इसी तरीके से वैसे तो निकालेंगे, तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये मैं लास्ट वाला आपको बता रही थी कि इसी तरीके से हमने रोटेट करना है ताकि पिन ये अंदर चली जाए, और फिर इस स्टिच को आपने पिक कर लेना है अपने नीडल में, ठीक है। अब हम मशीन को कर देते हैं साइड पे। ये देखिए हमारा ये पूरा काम इसके अंदर आ चुका है, अब हमने सिंपली इसको खाली खींचना है, ठीक है। इसको आपने खींच दिया, खींचने के बाद मेक श्योर कि ये जितना भी ये देखे इस तरह से ये ऊपर आ रहा है सेक्शन बल्ब, वो सारा अंदर चला जाए, ठीक है, इस तरह से। जितना यहाँ पे कम बल्क होगा उतना सही रहेगा, मेक श्योर ये अच्छे से सेटल हुआ हुआ,
और अब हमने यहाँ पे बस गिठान लगा देनी है। तो आपने नीडल लेनी है और एक दो मैं ऐसे स्टिचेस से क्रॉस करूँगी इसको। बहुत इजीली इस पर ये टोपी बन जाती है। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो साइजिंग का भी मैंने आपको समझाया कि अगर थ्रेड पतला है, लूज है, टाइट है, तो इससे साइज पे इफेक्ट आता है। ठीक है, साइज बड़ा छोटा करने का राज यही है इसका, जो कि मुझे अब तक समझ आया है क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो मुझे इसका अंदाज़ा है। ठीक है, अच्छे से इसको मैंने लॉक किया है। मैं इसको एक जो इस तरह से स्टिचेस रेंडम लगा रही हूँ और फिर मैं ये थ्रेड कट कर दूंगी। अच्छा, अब हमारा जो दूसरा इस तरह के ट्यूब कितना बड़ा है ये, ठीक है, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हमने किस तरह से टोपी में शिफ्ट करना है। और जो हमारा जो पहला यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ये इस तरह से ऊन छोड़ा था, ठीक है, उसको भी हमने बस सिंपली ऐसे खींच देना है, कुछ भी नहीं करना। बस ये जो बल्ब देखें यहाँ पे सारा आ गया, इसको रोटेट करके अंदर की तरफ करना है ताकि ये एडजस्ट हो जाए अच्छे से। ये देखें यहाँ से भी हमने इसको बंद कर देना है। जी बिल्कुल सही सुना हमने, हमने टॉप से भी बंद किया है इसको, हमने यहाँ से भी बंद कर दिया है। ये इसका आउटर प्रिंट है, ठीक है, इनर मैं आपको दिखाना भूल गई, लेकिन ये इसका आउटर प्रिंट है। ठीक है, इस तरफ से अब नीडल लेनी है आपने, और हमने इसको कर देना है बंद जिस तरह हमने उसको किया है। अच्छा, इस वाले को मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी क्लीन रखूं, रीजन ये है कि वो वाला पार्ट अंदर चला जाएगा, इसलिए अगर थोड़ा बहुत कहीं से भी इसमें या उसमें आपसे अगर थोड़ा सा मेस्टअप हो जाए तो वो उस पार्ट को आप अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे ये डबल साइडेड भी नहीं होती है, तो अगर आप चाहें तो आप पैनल का कलर भी मतलब ट्यूब का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 130 राउंड्स बना रहे हैं तो उसको आधा आधा शिफ्ट कर दें, ठीक है ना। ये इस तरह से मैंने नॉट बना लिया। अच्छा, अब मैं इस थ्रेड को काट नहीं रही हूँ, इस ट्यूब को मैं ऐसे रख के इसको एडजस्ट करूँगी हाथों से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस वाले पोर्शन को जिसमें मैंने कहा मुझे नॉट थोड़ी सी यहाँ पे बुरी लग रही है, इस वाले पोर्शन को इस तरह से हमने ये खोला और इसको अंदर प्रेस कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने मेक श्योर करना है कि ये ट्यूब का पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे से जाके एग्जैक्टली सेम जगह पर मिल जाए। ठीक है, ये देखें ये इनसाइड आ गया, ये आउटसाइड आ गया। अब हम इन दोनों को अटैच कर देंगे, तो मेक श्योर ये दोनों बिल्कुल आमने सामने हो। तो क्या करेंगे, सेंटर से सुई को आपने इंसर्ट किया और दूसरी तरफ से भी ये देखिए सेंटर से ही निकाला ताकि ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। और एक दो टांके हमने इन दोनों को लगा के छोड़ देना है। ज्यादा टांके लगाने की वैसे इसमें जरूरत होती नहीं है। ठीक है, और इनसाइड सॉरी, अच्छा अंदर में ये आउटसाइड है इसका, ये इनसाइड मैंने सी लिया है, एक दो टांके मैंने लगा लिए। अब मैं ये अंदर एक दो नॉट्स लगा के फिर इस ऊन को कट कर दूंगी। मतलब सारा कुछ आज ही होना है ना, वैसे तो बिल्कुल सही बनेंगी लेकिन अभी ये सारे लूप्स वगैरह जितने भी बर्बादी है ना वीडियो में ही पैदा होनी है। मतलब सीखने वाला भी बोले खुद को तो आता नहीं है और हमें सिखाने चली हैं यूट्यूब चैनल बना के, मगर ऐसा नहीं है, ट्रस्ट भी सही बनता है, अक्सर वीडियोस में ही होता है। अब देखें ये आपका इस तरह से एक पैनल आ गया। ठीक है, अब हम इसको पहले इसको ठीक करते हैं। अरे है मुझसे, मैंने कहा ना देखें यहाँ से सारी बर्बादियाँ, अभी सुई से खींचा मुझसे ही, फिर इसको हाथों से आपने इस तरह से ठीक कर लेना है पैनल को इस तरह से। और अब आप इसको ये
इसको रोटेट कर देंगे जितना आपको चाहिए ब्रिम वाला सेक्शन। ठीक है, ये हमारा पैनल इस तरह से बन गया था, इन दोनों को हमने जोड़ दिया था। फिर इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट करना है और फिर आपको ये इस तरह से आप उठा देंगे इसको। और ये आपकी जो बीनी है, जो आपकी टोपी है सर्दियों वगैरह के हिसाब से, ये रेडी हो गई है। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन गई है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई मेरी। मेक श्योर आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर लें ताकि ये कहीं से कोई फॉल ना दे। ये देख लीजिए, और ये साइज़ अच्छा खासा बड़ा है। मेरे ख्याल से 3-4 साल का बच्चा भी पहन ले, लेकिन वो आपके डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल जो कुछ आपको समझ नहीं आया है। वैसे बहुत आसान था इसको बनाना और बहुत ही मिनटों में बनी है। तकरीबन मैंने बनाई थी 7 से 8 टोपियाँ 2.5 घंटे में, जो कि बहुत ही लाइक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस रहा मेरा इससे। तो अगर आप वो मशीन को जीतना चाहते हैं तो कॉन्टेस्ट वीडियो पर ज़रूर ध्यान दीजिए, कॉन्टेस्ट टाइम बहुत कम है और फ्यूचर में गिव अवे आने वाले हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। मेरे पेज पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक्टिव रहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।